अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉर्निंग एंड जय हिंद टू वन एंड ऑल। आई एम सुषमा वर्मा एंड अगेन वेलकम टू माय आर्ट क्लास। और आज की मेरी आर्ट सेशन में मैं फिर से कॉफ़ी पेंटिंग लेकर आई हूँ। मेरे लास्ट सेशन में मैंने आपको कॉफ़ी पेंटिंग सिखाई थी, दैट इज़ वेरी ईजी एंड दैट इज़ फॉर द किड्स ऑल्सो। तो हमारी आज की सेशन में हम जो कॉफ़ी पेंटिंग करेंगे वो बिगिनर्स के लिए है जो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैंने कुछ नया ड्रॉ किया है, कुछ स्पेशल ड्रॉ किया है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। सी ये, तो इस स्केच को आज मैं कॉफी पेंटिंग करूंगी। लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था, सबसे पहले हम लाइट टोन से स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे लाइट टोन है, इससे हमने बेस देना है अपनी पेंटिंग को। इसका बैकग्राउंड मैंने कुछ डार्क देने के लिए सोचा है। व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड देन आई एम डूइंग दिस। स्टूडेंट प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो ताकि आपके साथ के आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, वो भी कुछ नई चीज़ें जाने। ठीक है, मैं चाहती हूँ जो भी मुझे आता है, मैं जो भी सिखाती हूँ वो सब तक पहुँचे, उन लोगों को तक पहुँचे जो ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि वो भी कुछ स्पेशल सीख सके और कुछ अच्छा बना सके, इवन मुझसे भी अच्छा, है ना। प्लीज राइट योर कमेंट्स, सजेशन, प्लीज मुझसे जरूर शेयर करें। अब जो भी आपको लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए या आपके पास कोई मेरे लिए बेस्ट सजेशन है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा इन द कमेंट्स बॉक्स। क्योंकि ये पेंटिंग मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर स्टार्ट किया है। See, this is the second tone. अब जहाँ पे हमने डार्क शेड दिया है वहाँ हमको इसको अप्लाई करना है।
जैसा कि आप ड्राइंग में देख ही रहे थे। जब भी हम कॉफ़ी कलर करना स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ आप इसके टोन्स को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इसके तीन बेसिक टोन्स होते हैं, लाइट, डार्क एंड डार्कर। तो वो आप ज़रूर पहले एक ग्राफशीट पे चेक कर लें कि आपका टोन सही है या नहीं है, जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था, हाउ टू मेक द टोन। अगर आपने नहीं देखा है तो वो अभी भी मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। नाउ सो दिस इज द डार्कर टोन, आई एम गोइंग टू यूज दिस डार्क टोन। हमेशा याद रखिएगा, सेकेंड टोन ड्राई होने के बाद ही हमें डार्क टोन को अप्लाई करना है, नहीं तो सारा कलर मर्ज हो जाएगा। जब ये पिक्चर ड्राई हो जाएगी, ये थर्ड टोन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमको उससे भी ज़्यादा डार्क टोन लेना है और उससे स्ट्रोक्स देने हैं। ये जो पेंसिल शेडिंग दिख रही है, इसको हमको ड्राई ब्रश से स्ट्रोक्स देने हैं।
है ना, अलग अलग शेड्स में हमें इसे कलर करना है। ये देखिए, जैसे मैं ये स्ट्रोक्स दे रही हूँ, आपने भी ऐसे ही स्ट्रोक्स देने हैं। Look at this. सो फ्रेंड्स, पेंटिंग हमारी रेडी हो गई है, लुक एट दिस। और मैंने इसको फ्रेम भी कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आई एम यूजिंग अ वेस्ट वेडिंग कार्ड। यस, मैंने कहीं से कलरफुल शीट नहीं परचेज की है, ये मैंने वेस्ट वेडिंग कार्ड को ही यूज़ किया है इसकी फ्रेमिंग के लिए। आप भी ऐसी अपनी सारी ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स हैं, आप उसको इस तरह से फ्रेमिंग कर सकते हैं, वेडिंग कार्ड्स को कट करके यूज़ करके। इट लुक्स मोर बेटर। ओके,